हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 3 तार वाले सीलिंग फैन का कनेक्शन कैपेसिटर के साथ करके दिखाऊंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यह ओरिएंट कंपनी का पंखा है दोस्तों। अगर आपके पास भी यह पंखा होगा तो आपको भी नीला, लाल और सफ़ेद यही 3 रंग का तार मिलेगा। हो सकता है आपके पंखे में सफ़ेद तार के जगह पर पीला तार हो। दोस्तों, 3 तार वाले पंखे का कनेक्शन कैपेसिटर के साथ बहुत ही सरल है। इसमें उल्टा सीधा का कोई झमेला नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जो इसमें का नीला तार है वह कॉमन तार है दोस्तों, तो बाकी के बचे हुए सफ़ेद और लाल तार में कैपेसिटर के एक एक तार को कनेक्शन कर देना है हमको। आप कैपेसिटर के किसी भी तार को सीलिंग फैन के किसी भी तार के साथ इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन नीला तार में हमें कैपेसिटर को नहीं लगाना है। सिर्फ लाल और सफ़ेद तार में ही कैपेसिटर के तार का कनेक्शन करना है हमको। दोस्तों, 4 तार वाले पंखे में तो हमें यह पता नहीं होता है कि पंखा उल्टा घूमेगा या फिर सीधा घूमेगा, लेकिन 3 तार वाले पंखे का कनेक्शन अगर आप मेरे बताए अनुसार करेंगे तो आपका पंखा सीधा ही घूमेगा। अब देखिए, इसे हमें कनेक्टर पिन में कैसे कनेक्शन करना है। तो जो नीला तार है दोस्तों, उसे हमें कनेक्टर पिन के नीचे में लगा देना है, और जो पंखे का सफ़ेद तार है, जिस तार के साथ कैपेसिटर के एक तार का कनेक्शन किया गया है, उस तार को हमें कनेक्टर पिन के बीच वाले पिन में लगा देना है। अब पंखे का लाल तार बच जाता है दोस्तों। देखिए, लाल तार में भी कैपेसिटर के दूसरे वाले तार का कनेक्शन है, तो इसे हमें ऊपर वाले पिन में लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से 3 तार का कनेक्शन हमको कनेक्टर पिन के साथ कर देना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें सप्लाई कहाँ कहाँ पर देना है। तो देखिए, इस तरफ 2 पिन हैं, तो दोनों पिन में आप सप्लाई दे सकते हैं। किसी में भी फेज और किसी में भी न्यूट्रल का सप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए, मैं इसका भी कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सप्लाई के दोनों तार को लगा दिया। अब मैं पंखे को चलाकर आपको दिखाता हूँ कि इसका कनेक्शन जो है वो सही से हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, मैं पंखे को उठा लेता हूँ और इसमें सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, पंखा चलने लगा और पंखा सीधा दिशा में चल रहा है। तो इस तरह से आप मेरे बताए अनुसार सीलिंग पंखा का कनेक्शन कीजिए, आपका पंखा सीधा ही चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।